साष्टांग मार्ग का सातवां अंग सम्यक स्मृति। बुद्ध के अनुसार सम्यक स्मृति जीवन में सबसे प्रमुख होती है और यही सम्यक स्मृति जीवन को सही दिशा देती है। सम्यक स्मृति का अर्थ प्राप्त स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाना कि जो भी आपके पास में ज्ञान उपलब्ध है उसके जरिए सही तरीके से उस पर राय बनाना, अपने विचार बनाना, अपनी मानसिक अवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, क्योंकि यही मानसिक अवस्था ही आपकी राय बनाती है, आपके विचारों का निर्माण करती है, आप क्या हैं इसी से पता चलता है। और यह बहुत आवश्यक है कि अगर ज्ञान आपके पास में उपलब्ध है और यदि उस ज्ञान की सही दिशा नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं। यदि वो ज्ञान आपकी सोच के अंदर, आपकी सोच विचार में कोई परिवर्तन नहीं ला पा रहा है तो उसका भी कोई लाभ नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक गांव में एक साधु एक रास्ते पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ा पत्थर मिला। पत्थर देखने में बड़ा ही आकर्षक था तो साधु ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख दिया। कई दिनों तक वह पत्थर उस साधु के झोली में पड़ा रहा। साधु जहां जहां जाता उसकी झोली में वह पत्थर वैसे ही चलता। एक दिन उसके एक भक्त ने उसे अपने यहां आमंत्रित किया। नतीजा साधु अपने भक्त के यहां गया और उस भक्त ने साधु की बहुत आवभगत की। वह साधु अपने उस भक्त के यहाँ कई दिन रुका रहा और उसकी इस प्रकार की आवभगत से प्रसन्न होकर वह पत्थर अपने झोले से निकाल कर उस भक्त को दे दिया। अब वह भक्त ठहरा किसान, उसे समझ ही नहीं आया कि वह इस पत्थर का क्या करे। तो बहुत सोच विचार कर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उस व्यक्ति ने उस पत्थर को अपने हल के ऊपर चिपका दिया। अब वह पत्थर उसके हल के साथ खेतों में जहां जहां उसका हल जाता वैसे ही वह पत्थर घूमता रहा। कई दिन बीत गए, कई वर्ष बीत गए, पत्थर वैसे ही हल के साथ घूमता रहा। तभी एक गांव में एक जौहरी आया और उसकी नजर इस पत्थर पर पड़ी। देखते ही वह समझ गया कि यह बहुत ही बहुमूल्य पत्थर है। उसने उस व्यक्ति से कहा, क्या यह पत्थर आप मुझे दे सकते हो? तो उसके बात को वह व्यक्ति समझ न सका कि और कहा कि यह मामूली पत्थर आपको चाहिए। और फिर जौहरी के कहने पर वह पत्थर उसे कुछ पैसों में उसने दे दिया। फिर वह जौहरी उस पत्थर को ले जाकर बाजार में जब बेचा तब उस पत्थर की वास्तविक कीमत पता चली और उसका उसे समुचित लाभ हुआ। तो अब यहाँ पे प्रश्न यह है कि यह बहुमूल्य पत्थर तो मिला तो साधु को था और साधु ने अपनी इच्छा से अपने उस भक्त को दिया, मगर उस पत्थर का वास्तविक लाभ वो दोनों ने उठा सके, उसका लाभ उठाया किसी तीसरे ने। तो ऐसा क्यों हुआ? निश्चित रूप से इसके पीछे केवल एक कारण था कि जिस जौहरी ने उस पत्थर को देखा उसने उसकी कीमत का सही अंदाजा लगा लिया और बाकी लोग इस अज्ञानता में अनभिज्ञ रहे कि उस पत्थर का क्या मोल है। तो यही परिस्थिति हमारे जीवन में सम्यक दृष्टि की है कि जीवन में जो हमें उपलब्ध ज्ञान है, जो भी हमारे पास में संसाधनों के जरिए अनुभव हैं, यदि वो सकारात्मक रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं तो उनका कोई लाभ नहीं है।
जा उनके अनुसार अपने हम अगर जीवन को नहीं बदलते हैं तो भी इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और इसी संदर्भ में सम्यक स्मृति को बड़ी गहराई से जानने के लिए बुद्ध मध्यम निकाय के वनपथ सूत्र में कहते हैं कि यदि कोई वन प्रदेश, ग्राम, नगर, जनपद अथवा व्यक्ति का आश्रय लेकर विहरे, परंतु उसकी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित ना हो, असमाहित चित्त समाहित ना हो, अपरिच्छीण आश्रव परिच्छीण ना हो, अलब्ध अनुत्तर योगे क्षेम निर्वाण उपलब्ध न हो, और प्रव्रजित के लिए अपेक्षित चीवर पिंडपात आदि भी कठिनाई से मिलते हों तो वहां नहीं रहना चाहिए। वहां से रात हो या दिन चले जाना चाहिए। यदि चीवर पिंडपात आसानी से मिल भी जाते हों तो भी वहां नहीं रहना चाहिए, वहां से चले जाना चाहिए। तो बुद्ध अपने वनपथ के इस सूत्र में स्पष्टतः कहते हैं कि यदि व्यक्ति के अंदर स्मृति उपस्थित ना हो, मानसिक योग्यता उसके अंदर ना हो और जिस प्रकार के क्रियाकलाप में वह लगा हुआ है उसकी वजह से उसके अंदर सम्यक दृष्टि उत्पन्न ना होती हो तो उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। और वहीं पे फिर से बुद्ध वनपथ सूत्र में ही आगे कहते हैं कि परंतु यदि अनुपस्थित स्मृति उपस्थित होती हो, असमाहित चित्त समाहित होता हो, अपरिच्छीण आश्रव परिच्छीण होते हो, अलब्ध अनुत्तर योगे क्षेम निर्वाण उपलब्ध होता हो और प्रव्रजित के लिए अपेक्षित चीवर पिंडपात आदि कठिनाई से मिलते हों तो वहीं रहना चाहिए, वहां से चले नहीं जाना चाहिए। और यदि चीवर पिंडपात आसानी से मिल भी जाते हों तब तो या वह जीवन वहीं बने रहना चाहिए, वहां से चले नहीं जाना चाहिए। तो बुद्ध स्पष्टतः कहते हैं कि जहां से सम्यक स्मृति उपलब्ध होती हो या आध्यात्मिक उन्नति होती हो, भले ही भौतिक सुविधाएं जुटाना सरल हो अथवा कठिन हो, वहां बने रहना चाहिए, वहां से चले नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि सम्यक स्मृति ही जीवन में उपलब्ध ज्ञान को सही दिशा देती है। अब फिर आगे प्रश्न होता है कि सम्यक स्मृति को वास्तव में विस्तार में कैसे समझें और कैसे हम ये अनुभव करें, कैसे हम ये जानें कि यही सम्यक स्मृति है और कैसे हम अपने उपलब्ध ज्ञान को सम्यक स्मृति के स्तर पर अनुभव करना चाहिए या हमारी जो मानसिक योग्यता है उसका सम्यक स्मृति के आधार पर ही विकास करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में तीन प्रकार की प्रज्ञा का जिक्र हमें मिलता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सहायक होती है हमारी प्रज्ञा या हमारे सोच विचार करने की क्षमता या हम जिस तरीके से चीजों के बारे में अपनी राय, विचार या निर्णय बनाते हैं वह क्षमता अर्थात प्रज्ञा। और फिर इसी प्रज्ञा से संबंधित अगला प्रश्न उठता है कि कैसे हम इस प्रज्ञा को समझें और कैसे इस प्रज्ञा के जरिए समृद्ध स्मृति या अपनी मानसिक योग्यता का विकास करें। तो इसी प्रज्ञा के संदर्भ में तीन प्रकार की प्रज्ञा का जिक्र हमें मिलता है, जिसमें से सबसे पहली प्रज्ञा है सुत प्रज्ञा, फिर दूसरी प्रज्ञा है चिंतन प्रज्ञा और फिर तीसरी प्रज्ञा है भावनामयी प्रज्ञा। हमारे पास में जो भी ज्ञान उपलब्ध होते हैं अक्सर देखा जाता है कि यह सुत प्रज्ञा होती है, किसी महानुभाव ने या किसी विशेष व्यक्ति ने या किसी धर्म ग्रंथ में या किसी पुस्तक में
हमें कोई ज्ञान उपलब्ध होता है तो ऐसे ज्ञान को हम श्रुत प्रज्ञा कहते हैं। यह जो ज्ञान है ये दूसरों का ज्ञान है और जिसे हम सुनने के जरिए हम समझते हैं। जैसे मैं यहां पर कोई बात कह रहा हूं और उस बात से यदि आपको कोई ज्ञान उपलब्ध हो रहा है तो इसे श्रुत प्रज्ञा कहते हैं या सुना हुआ ज्ञान। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न यही है कि केवल सुने हुए ज्ञान या पढ़े हुए ज्ञान या उपलब्ध ज्ञान के ऊपर कभी भी अपनी मानसिक योग्यता नहीं बनानी चाहिए, सोच विचार नहीं बनाना चाहिए, अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। या आप क्या सोचते हैं ये केवल किसी कहने के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए कि किसी ने कहा और आपने माना, या कहीं लिखा हुआ आपने देखा आपने उसे मान लिया। नहीं, इसे आगे चिंतन प्रज्ञा के सहारे जानना चाहिए। और फिर इसी चिंतन प्रज्ञा का विस्तार में वर्णन करते हुए मज्जिम निकाय के सब्बासो सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि एक समय बुद्ध सावस्ती के अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां बुद्ध ने स्पष्ट किया कि मैं आश्रमों चित्त मनों के क्षय के बारे में स्वयं जानते हुए देखते हुए उपदेश देता हूं, बिना जाने बिना देखे नहीं। उन्होंने बतलाया कि मन का चिंतन मनन दो प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। अयथार्थ चिंतन मनन से अनुत्पन्न आश्रव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए आश्रव खूब बढ़ते हैं। यथार्थ चिंतन मनन से अनुत्पन्न आश्रव उत्पन्न नहीं होते हैं और उत्पन्न हुए आश्रव नष्ट होते हैं। तो बुद्ध यहां पे कहते हैं कि जो ज्ञान आपको उपलब्ध हुआ है उसका यदि आप चिंतन मनन करेंगे, अपने विचारों से समझने का प्रयास करेंगे, तो इनके भी दो अर्थ उपलब्ध होते हैं। पहले अर्थ में आपके जीवन के चित्त मल बढ़ते हैं, उसका असर यह होता है कि आपके जीवन में ये जो ज्ञान है इनका कोई लाभ नहीं होता, बल्कि आगे चलकर जीवन को और कष्टकर दुखमय बनाते हैं। इनके चिंतन मनन से जीवन और तकलीफ और व्याकुलता और छटपटाहट से भर जाता है। तो इस प्रकार के अयथार्थ चिंतन मनन भी उचित नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति को यथार्थ चिंतन मनन करना चाहिए कि किस प्रकार के ज्ञान से चिंतन मनन करने के पश्चात उसके अंदर आप क्या राय बनाते हो, उससे आपके जीवन में सरलता आनी चाहिए, दुख दूर होने चाहिए, व्याकुल मन विमुक्त होना चाहिए। यदि आपका अंतर मन इस प्रकार के ज्ञान से व्याकुलता मुक्त दुख मुक्त हो रहा है तभी इस ज्ञान का अर्थ है, अथवा यह आपके जीवन को और कष्टकर बना देगा। और फिर आगे और बढ़ते हुए भावनामय प्रज्ञा की बात कही गई है। भावनामय प्रज्ञा का अर्थ है कि जो भी आपने ज्ञान पाया है, अपनी प्रज्ञा के सहारे जो चिंतन मनन किया है, उसे अनुभव के स्तर पर उतारना कि जो बातें कही गई हैं या जो किसी महानुभाव ने कही है या किसी धर्म पुस्तक में आपने उस ज्ञान को पढ़ा है, उस पर चिंतन मनन के पश्चात आपका अनुभव क्या कहता है, उस ज्ञान को आपने क्या अनुभव किया है, कि उस पर आधारित होना चाहिए। किसी दूसरे का अनुभव, किसी दूसरे का चमत्कार, किसी दूसरे के द्वारा दुनिया को बदलने की बात या अन्य ढेर सारे विचार, इन सभी विचारों को क्या आपने प्रत्यक्ष महसूस किया है, चिंतन मनन किया है, जाना है, अनुभव किया है? यदि ये सारे ज्ञान
आपके अंतर मन के अनुभव से जाकर जुड़ते हैं कि आप भी वैसा ही अनुभव करते हो, तभी इस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। हर एक उपलब्ध ज्ञान को प्रज्ञा की कसौटी पर कसना और उसे खुद के अनुभव के सहारे ही स्वीकार करना, यही बुद्ध का संदेश है और यही सम्यक स्मृति है। तो अब फिर से एक प्रश्न उठता है कि किस प्रकार के ज्ञान को हम किस प्रकार समझें। यहां पे हर किसी का अनुभव अलग अलग हो सकता है, मगर यहां पर बुनियादी सिद्धांत एक ही होते हैं। तो बुद्ध उपलब्ध ज्ञान के संदर्भ में, अर्थात सम्यक दृष्टि द्वारा जो हमें उपलब्ध ज्ञान होता है उसके ऊपर राय कैसे बनाएं, इसी को फिर से समझाते हुए कि कैसे ज्ञान को हम मानसिक योग्यता में परिवर्तित करें, इसी का जिक्र करते हुए संयुक्त निकाय के बुद्ध वर्गो के खंड में बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को समझाते हुए कहते हैं कि यह प्रतीत्य समुत्पाद का नियम सभी जगह लागू होता है, इस जगत में भी और हमारे अंदर भी। तो इसे जब हम सम्यक दृष्टि के जरिए घटित होता हुआ देखते हैं, तभी हमें सही सम्यक स्मृति उपलब्ध होती है और इसी प्रतीत्य समुत्पाद को अपने अंदर जानने के संदर्भ में बुद्ध कहते हैं कि पटिच्च समुत्पाद या प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है। अविद्या के कारण संस्कार, संस्कार के कारण विज्ञान, विज्ञान के कारण नाम रूप, नाम रूप के कारण छेंद्रियां, छेंद्रियों के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जन्म और जन्म के कारण बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, दौर, मनस्य और उपायास होते हैं और इस प्रकार समस्त दुख समूह की उत्पत्ति होती है और यही होता है प्रतीत्य समुत्पाद। तो बुद्ध यहां पे स्पष्टतः कहते हैं कि ये जो हमारे जीवन की वास्तविक दशा बनी हुई है ये ऐसे ही नहीं है, ये प्रतीत समुत्पन्न है, अर्थात इनके कारण है। और प्रतीत समुत्पाद का अगर हम पिछले कई वीडियो में देखें तो बड़े विस्तार से जिक्र किया गया है और बुद्ध ने जो यहां पर 12 कार्य कारणों की श्रृंखला को समझाया है इसे भी हमने बड़ी गहराई से समझा है। तो अब यहां पर परिस्थिति यह होती है कि इस बात का एहसास करना कि हमारे जीवन में जो उपलब्ध दुख हैं इनके कारण हैं, ये ऐसे ही नहीं है, ये प्रतीत समुत्पन्न है और ये क्यों उत्पन्न होते हैं, इनके पीछे यह 12 कार्य कारणों की श्रृंखला होती है। इसे अनुभव के स्तर पर महसूस करना और इसकी वास्तविकता को जानना, क्योंकि जब हमें इसका अनुभव होता है तो हमारे जीवन में दुखों के कारण पता चलते हैं, हमें 4 आर्य सत्यों का द्वितीय आर्य सत्य ज्ञान में आता है और जब हम इस ज्ञान को पाते हैं और हम तभी इसका समाधान निकाल पाएंगे। तो इसी संदर्भ में फिर से संयुक्त निकाय के बुद्ध वर्गो के खंड में ही बुद्ध आगे कहते हैं कि फिर कहा कि अविद्या के निरोध से संस्कार, संस्कार के निरोध से विज्ञान, विज्ञान के निरोध से नाम रूप, नाम रूप के निरोध से 6 इंद्रियां, 6 इंद्रियों के निरोध से स्पर्श, स्पर्श के निरोध से वेदना, वेदना के निरोध से तृष्णा, तृष्णा के निरोध से उपादान, उपादान के निरोध से भव, भव के निरोध से जन्म और जन्म के निरोध से बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, दौर, मनुष्य और उपायास सभी निरुद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार समस्त दुखों का निरोध हो जाता है। और बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद का विभाग करके भी समझाया
कि अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप से क्या आशय लिया जाता है। उन्होंने यह भी बतलाया कि जिस पूर्ण वर्णित क्रम से समस्त दुख समूह की उत्पत्ति होती है वह मिथ्या मार्ग कहलाता है, और जिस क्रम से समस्त दुखों का निरोध हो जाता है उसे सम्यक मार्ग कहते हैं। तो बुद्ध यहां पे स्पष्टतः कहते हैं इस प्रतीत समुत्पन्न को अपने अंदर घटित होते हुए जानना, उसे देखना, उसे अनुभव करना, प्रतिपल प्रतिक्षण उसका अनुभव करना, क्योंकि जब हमें यह अनुभव होगा तभी हम इसका यथार्थ दर्शन कर पाएंगे, इन कारणों को समझ पाएंगे, इनको स्वीकार कर पाएंगे। और जैसे ही परिस्थिति का आभास होता है, और फिर बुद्ध कहते हैं कि इनके निरोध से ही दुख समाप्त हो जाते हैं, जीवन विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार का अनुभव होना परमावश्यक है, और ये सबके क्षमता की बात नहीं होती है, हर कोई इसे महसूस नहीं कर पाता, बहुत कम ही लोग इसे महसूस कर पाते हैं। और इसी अनुभव को प्राप्त कर अपनी मानसिक योग्यता में बदलने के लिए बुद्ध सम्यक स्मृति का सहारा लेते हैं कि इस मानसिक योग्यता को हमें उच्च स्तर पर ले जाने के लिए विपश्यना करनी होगी, कि विपश्यना के सहारे हम इन सभी परिस्थितियों का यथार्थ दर्शन करते हैं, जानते हैं, उनका अनुभव करते हैं, उन्हें घटित होता हुआ देखते हैं। ये किसी के द्वारा कहा गया, किसी के द्वारा चमत्कार, किसी के द्वारा विरोधाभासी ज्ञान नहीं है, ये वास्तविक यथार्थ दर्शन का ज्ञान है कि हमारा जो जीवन है इस प्रकार की बाधाओं से जुड़ा हुआ है, तभी यह जीवन व्याकुल बर्बाद और दुखों से भरा है। और फिर बहुत ही महत्वपूर्ण बात सम्यक स्मृति के संदर्भ में बुद्ध दिघ निकाय के महापरिनिब्बान सूत्र में कहते हैं कि स्मृति और संग प्रज्ञान के साथ विहार करो, यही हमारा अनुशासन है। फिर यह भी समझाया कि स्मृतिमान कैसे होते हैं और संग प्रज्ञानी कैसे। जब कोई व्यक्ति राग और द्वेष को दूर करने के लिए जागरूक रहे, संग प्रज्ञान जगाए हुए उद्योगशील हो, काया में कायानुपश्यना, वेदनाओं में वेदनानुपश्यना, चित्त में चित्तानुपश्यना और धर्मों में धर्मानुपश्यना करता है, तब वह स्मृतिमान होता है। और जब वह चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, शरीर की हर अवस्था में किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया करते हुए अपने बारे में संपूर्ण जानकारी बनाए रखता है, तब वह संग प्रज्ञानी होता है। तो बुद्ध यहां पर बड़े ही विशेष तरीके से विपश्यना को समझाते हुए कहते हैं कि चार प्रकार की विपश्यनाओं के जरिए समृद्ध स्मृति को पाया जा सकता है, मानसिक योग्यताओं का विकास किया जा सकता है, सही मार्ग को अपनाया जा सकता है। हालांकि इससे संबंधित ज्ञान इसके पहले के वीडियो में विस्तार में दिए जा चुके हैं। कायानुपश्यना में शरीर की विपश्यना, अर्थात इसके दो भाग आते हैं, जिसमें से पहला है अनापानसति, कि शरीर के अंदर होने वाली श्वास की क्रियाओं को देखना, सांसों को शरीर के अंदर जाते और बाहर आते महसूस करना, और इसके साथ ही साथ दूसरे खंड में शरीर की सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं का अनुभव करना, जो विपश्यना की प्राथमिक क्रियाओं में किया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया हमें इसका अभ्यास कराती है, हमारा शरीर किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार से इसके अंदर परिवर्तन होते हैं, इसे बड़ी गहराई से समझना, और इसके पश्चात वेदनाओं में वेदनानुपश्यना, शरीर की सभी वेदनाओं को उत्पन्न होते हुए देखना,
उन्हें समझना कि ये वेदना उत्पन्न हुई है तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है ये वेदना उत्पन्न हुई, इसको घटित होते हुए देखना, सूक्ष्म से सूक्ष्म वेदनाओं का अनुभव करना, चित्त के अंदर उठने वाले विचारों की चित्तानुपस्सना करना और धर्मों में धर्मानुपस्सना करना, और इन्हीं के जरिए सम्यक स्मृति विकसित होती है। और इसी चीज का विस्तार में वर्णन करते हुए बुद्ध महासतिपट्ठान सूत्र में कहते हैं कि जब हम इस शरीर को सही तरीके से जानते हैं कि उपादान स्कंधों की धर्मानुपासना करते समय प्रज्ञापूर्वक यह जानना होता है कि इस समय स्कंध उदय हो रहा है अथवा अस्त हो रहा है, उपादान स्कंध है रूप वेदना संज्ञा संस्कार तथा विज्ञान, जो हमारा ये शरीर है, जो हमारा ये अनुभव है, जो हमारे ये मैं की अनुभूति है, यह स्कंधों के द्वारा होती है। और फिर आगे आज सत्यों की धर्मानुपासना करते समय प्रज्ञापूर्वक यथाभूत यह जानना होता है कि यह दुख है, यह दुख का समुदय है, यह दुख का निरोध है, यह दुख निरोध का उपाय है। तत्पश्चात बुद्ध ने स्पष्ट किया दुख दुख का समुदय, दुख का निरोध और दुख निरोध का उपाय, इनसे क्या अभिप्राय है। संक्षेप में पांचों उपादान स्कंद ही दुख हैं, बार बार राग जगाने वाली तृष्णा दुख का समुदय है, इस तृष्णा का सर्वदा निरोध दुख का निरोध है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वचन सम्यक कर्मांत सम्यक आजीव सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति सम्यक समाधि दुख निरोध का उपाय है। तो इस प्रकार से बुद्ध बड़ी गहराई से अपने अंदर होने वाली हर एक घटित होने वाली घटनाओं का अनुभव करना और उसी के ऊपर अपनी राय बनाना, उसी के सहारे अपनी मानसिक योग्यताओं को विकसित करना, इसी अनुभवों को स्वीकार करना और इन्हें गहराई से जानकर अपने व्यवहार को बदलना। क्योंकि यहां पे एक बात पूरी तरह से निश्चित है कि जब तक जीवन में यथार्थ का ज्ञान ना हो, सत्य का ज्ञान ना, तब तक उस पे बनाया गया कोई भी राय सही नहीं हो सकता है। और सम्यक स्मृति ही इसे विकसित करती है, इसे एहसास कराती है, इसका भान कराती है। और उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी सम्यक स्मृति के सहारे आगे हम कुछ विशेष बातों का अनुभव करते हैं। और मग वग के खंड में विस्तार किया गया है कि तथागत केवल विशुद्धि का मार्ग आख्यात करते हैं, परिश्रम तो तुम्हें ही करना होता है, जो उस मार्ग पर आरूढ़ हो जाते हैं वे ध्यानरत होकर मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। विशुद्धि का मार्ग है, सभी संस्कार अनित्य हैं, इसे प्रज्ञापूर्वक जानना, सभी संस्कार दुख है इसे प्रज्ञापूर्वक जानना, सभी संस्कार अनात्म है इसे प्रज्ञापूर्वक जानना, इन्हें इस प्रकार से जान लेने से दुख का निर्वेदन हो जाता है। तो बुद्ध स्पष्टतः अपनी अनुभवों से इस संसार और स्वतः अपने अंदर प्रतीत समुत्पाद के नियम को घटित होता हुआ देखते हैं, इन सभी परिस्थितियों के कारण हैं और ये कारण है तभी इनसे ये उत्पन्न हुए हैं और ये अनित्य हैं, ये सदैव ऐसे रहने वाले नहीं हैं। अनित्यता इस ब्रह्मांड का मूलभूत सिद्धांत है, ये इस जगत में घटित होता है और हमारे अंदर के भाव में भी घटित होता है, इसे प्रज्ञापूर्वक जानना, इसे घटित होते हुए देखना
और इसके जरिए अपनी मानसिक योग्यता, अपने याददाश्त, अपने अनुभवों का विकास करना कि जीवन में सब कुछ अनित्य है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। क्योंकि जब हमें ये भाव आता है तभी हमें इस बात का यथार्थ दर्शन होता है कि जिन चीजों के पीछे हम जा रहे हैं उनका स्थायी अस्तित्व नहीं है। अगर वो मिल भी जाए तो वे अनित्य हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं। इसे यथार्थ पूर्वक जानना और जीवन के मूल सत्य को समझना कि ये जो जीवन है यह दुखों से भरा हुआ है। दुख ही इस जीवन का दूसरा रूप है और जो हम भटक कर इस जीवन में सुखों को ढूंढते हैं, आनंद को ढूंढते हैं, ये केवल भ्रामक विचार है। इनके जरिए कभी भी इन दुखों को दूर नहीं किया जा सकता है और इन दुखों को स्वीकार करना ही हमारे जीवन का सत्य है। क्योंकि जैसे ही हम इस दुख को स्वीकार करते हैं वैसे ही हमारे आगे इनके कारण दिखाई देते हैं और इन कारणों को समाप्त कर हम दुखों को अपने जीवन से दूर करने में सफल होते हैं। तो सभी संस्कार दुख है, दुख इस जीवन का सत्य है। अगर ये जीवन में घटित हो रहा है तो यह इसकी सामान्य परिभाषा है और इस सत्य का अनुभव करना, इसे प्रज्ञा के सहारे जानना, इसे घटित होते हुए देखना, इसे विपश्यना के जरिए जानना, ध्यान के सहारे समझना, इसे घटित होते हुए देखना और इसे स्वीकार करना। और सभी धर्म अनात्म हैं। जो हमने इस शरीर या आत्मा को नित्य समझा है कि ये जो मैं का बोध है, जो ये मेरा एहसास है, जो ये मेरी मैं की वास्तविक विशेषता है, जिसकी नित्यता में हम समाये हुए हैं कि मृत्यु के बाद भी इनका अस्तित्व है और ये सुख की प्राप्ति करती हैं, ये स्वर्ग का अनुभव करती हैं, जन्नत का अनुभव करती हैं, या हेवन जैसा कोई प्राप्त होता है या मोक्ष जैसी कोई अवस्था मिलती है, ये सारी चीजें भ्रामक हैं। ये जो मैं का एहसास है ये केवल स्कंधों के द्वारा उत्पन्न है। जो ये पांच स्कंध है इनकी वजह से ये मैं का बोध है और यही मैं का बोध हमारे जीवन में दुखों को उत्पन्न किए हुए हैं। इसे प्रज्ञा के सहारे जानना, इसे प्रज्ञा के सहारे इसका अनुभव करना कि संसार अनित्य है, दुखमय है, अनात्म है और यही अनुभव हमें सम्यक स्मृति के सहारे प्राप्त होते हैं। और इसी का वर्णन हमें संयुक्त निकाय के नालंद वग के खंड में मिलता है। इस पर बुद्ध ने उनका ध्यान अपने उपदेश की ओर दिलाया कि सभी प्रियों से वियोग होता ही रहता है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह विनाश को प्राप्त ना हो ऐसा नहीं हो सकता, अतः अपने आप को अपना दीप बनाओ, आत्मनिर्भर हो, किसी दूसरे के भरोसे मत रहो, धर्म को अपना द्वीप बनाओ, धर्म की शरण ग्रहण करो, अन्य किसी की नहीं। बुद्ध के जीवन के आखिरी ये शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि किसी के सहारे ना रहो, कि कोई आएगा और आपके जीवन को बदल देगा या किसी की कृपा से आपका जीवन तृप्त हो जाएगा, सुख मिल जाएगा या आप परम पद पाओगे, ऐसा संभव ही नहीं है। इसके लिए हर एक व्यक्ति को खुद से ही चिंतन मनन करना होता और उपलब्ध ज्ञान के सहारे अपने अनुभव का विकास करना होता है, अपनी मानसिक योग्यताओं का विकास करना होता है और यही वास्तविक ज्ञान जीवन में सही दिशा देता है कि खुद से खुद का द्वीप बनो, खुद के सहारे आगे बढ़ो, यही जीवन का सही उद्देश्य है।
और इसी में सम्यक स्मृति बहुत बड़ा सहारा बनती है कि जीवन के सत्य का अनुभव कर, जीवन के सम्यक दृष्टि को जान, अपनी मानसिक योग्यता का विकास कर सही मार्ग में आगे बढ़ना, ध्यान या विपश्यना के जरिए चीजों का वास्तविक ज्ञान ग्रहण करना। और फिर इसी संदर्भ में धम्मचक्र प्रवर्तन वर्ग में इसका उल्लेख मिलता है कि तथागत ने इन दोनों अंतों को छोड़ मध्यम मार्ग का ज्ञान का प्राप्त किया है, जो चक्षु देने वाला, ज्ञान पैदा करने वाला और उपशम अभिज्ञा संबोधि तथा निर्वाण प्राप्त कराने वाला है। और यह मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है। तो इस प्रकार से बुद्ध जीवन के व्यवहार में बड़ा ही गहरा परिवर्तन लाने को कहते हैं कि जैसे ही हमें सम्यक दृष्टि उपलब्ध होती है, जैसे ही हमें मानसिक योग्यता विकसित होती है, जैसे ही हम ध्यान और विपस्सना के सहारे अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं और हम इनके जरिए मध्यम मार्ग की तरफ बढ़ते हैं कि मध्यम मार्ग के जरिए जीवन में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। तो इसी निर्वाण की पथ में बढ़ते हुए हम इसके आठवें अंग सम्यक समाधि को जानेंगे कि कैसे सम्यक समाधि वास्तविक ज्ञान को हमें सर्वोच्च अवस्था पर ले जाती है, हमें दुख मुक्त निर्वाण की अवस्था उपलब्ध कराती है। इसी को और गहराई से जानेंगे। आप देखते रहिए बुद्ध और उनके संदेश। धन्यवाद।